रामगढ़ में बिजली की चरमराती व्यवस्था और ट्रेन के रूटों को बदलने के बाद रामगढ़ के व्यवसायी और आम जनमानस में आक्रोश व्याप्त है। इसे लेकर रामगढ़ के कई व्यवसायी और समाजसेवी रामगढ़ में बंद का आह्वान किए हैं 16 तारीख को, और आज सब कोई आग्रह कर रहे हैं। क्या है बताइए थोड़ा सा मामला। रामगढ़ जिले के अंदर में विगत 2-3 महीने से बिजली की समस्या बढ़ती जा रही है, और इधर तो लगातार विद्युत की कटौती आज से 10 घंटे तक DVC के द्वारा किया जा रहा है, और जिसके वजह से पूरा कल कारखाना, रामगढ़ का शैक्षणिक संस्थान, पठन पाठन छात्रों का, घर में गृहिणी का कार्य, सारा कुछ अस्त व्यस्त स्थिति में है। और सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है, बिल्कुल उदासीन बनी हुई है, निरंकुश बनी हुई है और निष्ठुर बनी हुई है, जिसके विरोध में जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स लगातार 1 महीने से आंदोलन कर रहा है। और इसी कड़ी में हम लोग 16 दिसंबर को पूरे रामगढ़ जिला को बंद करने का घोषणा किए हैं, और जम करके व्यापारी, दुकानदार और आम लोगों का पूरा खुला समर्थन मिल रहा है। और निश्चित तौर पर 16 दिसंबर को पूरा रामगढ़ बंद पूर्ण तरीके से बंद रहेगा, ये तय है। रामगढ़ में 16 दिसंबर को बंदी का आह्वान किया जा रहा है, और यहाँ पर कई समाजसेवी मौजूद हैं। हमारे बीच में बलजीत सिंह बेदी जी भी हैं, इनसे जाने की क्या है और फिर आप लोग का आंदोलन कैसा रहने वाला है। रामगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ने आह्वान किया था बिजली की कटौती को सुधार करने के लिए, जिसमें अभी तक सुधार नहीं हुआ है। राजधानी एक्सप्रेस और 54 ट्रेन को चलाने के लिए सुचारू रूप से, उसमें भी सुधार नहीं हुआ है। सरकार की जो मनमानी नीति है उसके विरोध में रामगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड रामगढ़ के तमाम जनमानस, तमाम व्यापारिक संगठन, समाजसेवी, राजनेता जो भी हैं, सब एक मंच पर हैं और इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और 16 तारीख को रामगढ़ बंद करने का आह्वान किया गया है, जिसको फुल सफल करने के लिए हम सब सभी दुकानदारों को, छोटे बड़े टेम्पो ऑटो जो भी चालक हैं, दुकानदार, सबको हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि उसमें बंद करके सहयोग करें और अपने आप को बचाएं, बिजली आपको पूरा मिल सके, ट्रेन आपको मिल सके, इसके लिए हम सब आंदोलित हैं, आप साथ देख करके इसको सफल बनाएं। बिजली की कुव्यवस्था की वजह से बच्चों को, गृहिणियों को काफ़ी परेशानी उठाना पड़ रहा है। कॉलेजेस में भी अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी जो बिजली की वजह से परेशानी हो रही है और बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, इस पर आपका क्या कहना होगा। विद्युत की जो अभी कुव्यवस्था चल रही है, इससे हर तरह के लोग काफ़ी प्रभावित हो चुके हैं, और आज के ही पेपर में DVC के द्वारा यह बताया गया है कि शायद यह बिजली की कटौती 12 घंटा से ज़्यादा की जाएगी, तो बहुत ही शर्मनाक है। इस किसी भी कीमत पर बिजली आज के दिन में काफ़ी अति आवश्यक चीज़ है, इसकी व्यवस्था को जल्द से जल्द सुधारना चाहिए, जिसके तहत बोलो रामगढ़ आंदोलन के तहत चैम्बर का सभी लोगों को सहयोग प्राप्त है और हम लोग स्वतः बंदी के लिए आग्रह कर रहे हैं। रामगढ़ की बिजली व्यवस्था से अंदाज़ा लगाया सकता है कि रामगढ़ शहर को फिर से पाषाण युग में भेजने की तैयारी चल रही है, जिस वक्त बिजली का कहीं कोई नामो निशान भी नहीं था। हमारे बीच में एक और समाजसेवी हैं, इनसे भी जानेंगे कि क्या स्थिति है, रामगढ़ की स्थिति है, पहले ही 3-4-5 घंटे बिजली रह रही है और अब ऊपर से 12 घंटे काटने की बात कह रहे हैं, तो अब तो स्थिति और भी दयनीय हो जाएगी, लोगों के इन्वर्टर तक चार्ज नहीं होने वाले हैं, तो अब क्या होने वाला है आप बताइए। बिल्कुल दयनीय स्थिति, गांव बोलते हैं शहर से गांव, गांव से शहर ने, शहर से गांव तक करने का स्थिति किया जा रहा। सोचिए कि जो पहले हमारे पास जो सुविधा थी उसको भी छीन लिया गया, एक तो ट्रेन थी राजधानी एक्सप्रेस, उसको छीन लिया गया। बिजली की समस्या, जो हम लोग को इतना बढ़िया बिजली मिलता था, अब क्या स्थिति है कि 10 घंटे बिजली कट रहे हैं, DVC इस तरह कटौती कर रहा, बहुत गंभीर स्थिति है। और हम लोग इस ये जो मूलभूत सुविधा हम उसकी मांग को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्वाधान में 16 तारीख को जो बंद किया गया वो ऐतिहासिक बंदी होगा। लोग का जन समर्थन, जम के पूरे रामगढ़ जिले के लोग समर्थन कर रहे हैं इस बंदी को, और पहली बार ऐसी बंदी होगी जो बिना दबाव के, जोर जबरदस्ती से नहीं, लोग मन से स्वतः बंद करने को तैयार है। और हम लोग सबसे अनुरोध करते हैं कि इस बंद को सफल कर, इस आंदोलन को सफल कीजिए। बिहार से झारखंड जब अलग हुआ था, अलग होने के बाद ये कहा जा रहा था कि झारखंड में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है, यहाँ बहुत ज़्यादा विकास होगा, कई चीज़ों की व्यवस्थाएं होंगी, लेकिन आज की स्थिति में, आज के दौर में बिहार के गांव में भी 18-18 घंटे बिजली रह रही है, और
झारखंड के रामगढ़ में जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल बेल्ट के रूप में जाना जाता है, यहाँ पर 4 घंटे 5 घंटे बिजली का होना अपने आप में यहाँ की व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करता है। और ऐसी स्थिति अगर रही तो भविष्य में यह आंदोलन का रूप क्या होगा, अगर यह मामला नहीं, अगर सरकार ने आपकी बात नहीं सुनी या उन तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंची, तो आप लोग इसको आगे क्या करेंगे? कुल चरणबद्ध आंदोलन हम लोग चैम्बर के द्वारा किया जा रहा है। पहले हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया DVC कार्यालय के समक्ष, बिजली विभाग के समक्ष, सुभाष चौक के समक्ष, ADRM ऑफिस के समक्ष। उसके बाद हम लोग दूसरे चरण में हम लोग ये जनसंपर्क अभियान चल रहा है। फिर तीसरे चरण में हम लोग का बंदी है। अगर इन सब के बावजूद भी हमारी मांगे, जो मूलभूत सुविधा हमारी है बिजली की और ट्रेन की समस्या, अगर इसका सॉल्व नहीं हुआ तो हम लोग और तीव्र आंदोलन करेंगे। हो सकेगा तो DVC के गेट पर हम लोग तालाबंदी तक करेंगे, सामूहिक उपवास करेंगे, जो करना हो करेंगे, लेकिन हम अपनी जो हमारा जो हक है, अधिकार है, उसके लिए हम कुछ भी करके लेके रहेंगे। नहीं, कहा जाता है कि DVC को पैसा ही नहीं दिया जा रहा है झारखंड सरकार की ओर से, तो ऐसे में तो DVC बिजली कहाँ से देगी, ऐसा कहा जाता है? भाई, हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं कि झारखंड का बकाया है, कई अन्य राज्यों का बहुत बकाया है, तो उनका तो काट नहीं रहे बिजली DVC, केवल झारखंड को टारगेट करके कि एक मामले से छोटा राज्य है तो इसको आप टारगेट करके यहाँ के साथ बिजली ऐसा सौतेला व्यवहार करें। सिर्फ झारखंड नहीं, 22 ऐसे राज्य जिनका बकाया है लेकिन उनका बिजली नहीं, हम लोग के साथ भाई कट। और बोले रामगढ़ जो है ऐतिहासिक और ये औद्योगिक नगरी दोनों है, इस तरह का सौतेला व्यवहार किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रामगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार अपना रही है DVC। बेदी सर भी कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाह रहे सर? भारत सरकार के निर्देश पर DVC झारखंड को तंग कर रही है, चाहती है कैसे मेरे यहाँ सरकार बने, ए ने कहने पर कहने, वो चाहती है कि हम यहाँ पर काबिज हो, इसलिए ये झारखंड से बिजली काट करके लोगों को तबाह कर रही है। और सरकार को चाहती है कि सरकार में कुव्यवस्था है और मेरी सरकार आए, जबकि रघुवर सरकार के समय से बिजली बिल बाकी है, वो पैसा RBI से बोला काट लिया, फिर बोला कोर्ट में केस गया, रुका हुआ है। ये तमाम भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण ये सब काम हो रहा है। ऐसा बात नहीं कि देश में सब जगह बिजली मिल रही है और पैसा उपभोक्ता पैसा दे रहे हैं। उपभोक्ता क्या क्या गलती है? पैसा आप रखे हो, पैसा आप नहीं दिया है, तो हमारा वाका, हमको बिजली दो, हम जो पैसा दे रहे हैं हमको उतना बिजली दो। तो आपकी बात सरकार, आपके अभी आपकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, तो ये सरकार क्यों नहीं दबाव बना पा रही है DVC पर? पूरा दबाव बना रही है, लेकिन DVC भारत सरकार से गाइडलाइन होता है और भारत सरकार बोल रहा है काटो, हमको पुराना पैसा दे दो, तो कहाँ से दे देगा? हमको GST का पैसा नहीं मिल रहा है, हमको जो पैसा भारत सरकार से हमसे कोल का जो पैसा हमारा रॉयल्टी मिलता है हमको नहीं दे रहा, सब पैसा रख रही है, कहाँ डाल दे रही है, किस छेदा को भर रही है नहीं पता, लेकिन झारखंड का पैसा झारखंड को नहीं मिल रहा है, जिस कारण सब बाकी है। अच्छा, झारखंड का पैसा झारखंड को नहीं मिल रहा है, इनकी मांग है कि बिजली जल्द से जल्द यहाँ पर व्यवस्था उसकी चालू हो सके और जल्द से जल्द लोगों की मुसीबतों को दूर किया जा सके। धन्यवाद।